इतना पढ़ लिख के भी नौकर ही क्यों बनना है, चलो मालिक बनते हैं। जी गुरु। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। जिनको इंटरनेट पे लोग कुकी बाबा के नाम से जानते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ दिल्ली के सबसे बड़े गणेश उत्सव में, जहाँ पे आए हुए हैं अनिरुद्धाचार्य जी और साथ में बाबा बागेश्वर धाम। सो गाइज, मैं भी आ गई हूँ सोनिधि के साथ और अभी चलते हैं बाबा बागेश्वर जी से और अनिरुद्धाचार्य जी से मिलते हैं और उनकी कथा का आनंद लेंगे। A few minutes later. दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है और यहां पे आपको बैनर दिख रहा होगा कि यहां पे अनिरुद्धाचार्य जी और श्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार आए हुए हैं। दोस्तों, यहां देख के आपको भीड़ को लग रहा होगा कि कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पे इस महोत्सव में और राम कथा और हनुमंत कथा सुनने। ये देख लीजिए आप लोग। दोस्तों, हम लोग अभी पंडाल के पास पहुंचने वाले हैं। ये जस्ट सामने दिख रहा है पंडाल, वहीं पे कथा वगैरह होता है और वहीं पे गणपति जी की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ की भीड़ को देख के आप लोग सोच रहे होंगे किस चीज़ की भीड़ है, तो ये भंडारे की भीड़ है। यहाँ पे भंडारा मिल रहा है तो लोग खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग गणपति बाप्पा जी से मिलने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे ना श्री अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा श्री राम कथा और साथ ही बाबा बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा हनुमंत कथा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अभी हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं और गणपति पापा से दर्शन करने जाएंगे, फिर मेला घूमेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इस प्रोजेक्टर पे, अभी हम आपको सामने से भी दिखाएंगे। दोस्तों, इतने देर लाइन में लगने के बाद हमें गणपति बप्पा के दर्शन होने वाले हैं। अभी जस्ट हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, दर्शन करेंगे, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी का अब वो जो होगा भजन और जो भी होगा वो सुनेंगे कथा वगैरह। दोस्तों, आप लोग भी गणपति बप्पा के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग गणेश जी के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक छोटे से भी गणेश जी स्थापित हैं। गाइज, हम लोगों को बहुत ही लंबी लाइन में लगनी पड़ी गणेश जी के पास पहुंचने के लिए। ये देखिए गाइज, ये जो है इस लाइन को अभी हम लोग पार करके यहाँ पहुंच पाए हैं यहाँ गणेश जी के पास। और गाइज, ये रहे हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, यहाँ कथा कह रहे हैं। ये सारे भक्तगण हैं जो बाबा जी को सुनने के लिए आए हैं, अनिरुद्धाचार्य जी को सुनने के लिए आए हुए। तैयारी कर रहे हैं बट उतना सफलता नहीं मिल पाता है, लेकिन वो स्थिर लगे होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ तक अपने आप को पुश करें, कोई एक पॉइंट तो आना चाहिए जहाँ पे हम समझ पाए, समझदारी से डिसीजन ले पाए कि हमें क्या निर्णय लेना है अपने करियर के लिए, जो अपने माता पिता और समाज के लिए, देश के लिए हम अच्छे कार्य कर पाए एक सही एज में, क्योंकि एज इज कॉन्स्टेंट और वो मतलब कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। यूथ आज एक जगह पर डिपेंड है कि मैं नौकरी करूँगा जी, सारे लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हैं जी, यही गलत है। आप नौकरी को दूसरे नंबर पर रखिए और बिजनेस व्यापार को पहले नंबर पर रखिए जी। आप ऐसी मानसिकता बनाइए कि पहले नंबर पर हमें बिजनेस रखना है।
हम व्यापार करेंगे, खुद का काम धंधा शुरू करेंगे जी। यदि आप नौकरियों के पीछे जितना समय लगाते हो उतना आप अपने बिजनेस में अपने दिमाग को लगाओगे तो आप कई गुना नौकरी से ज़्यादा पैसा बिजनेस में कमा पाओगे जी। नौकरी करने वाला अधिक से अधिक महीने का 50,000 कमा सकता है, लाख कमा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख कमाएगा जी गुरु। 5 लाख से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई सरकारी नौकरी देती होगी जी। जी है ना जी गुरु। 5 लाख रुपए महीना आप कमा पाओगे नौकरी करके जी। लेकिन आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए तो 5 लाख रुपए रोज का कमा पाओगे आप बिजनेस करके। तो बिजनेस आप करोगे तो ज़्यादा आपका और आपके बिजनेस करने से समाज का बड़ा फायदा होगा। आपके बिजनेस करने से सरकार को आप टैक्स देते हैं, सरकार को भी बड़ा फायदा होता है। इसलिए एक अच्छा नागरिक वही है, नौकरी करने वाला अपनी जगह सही है, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इतना पढ़ लिख के भी नौकर ही क्यों बनना है, चलो मालिक बनते हैं जी गुरु। मालिक बने नौकर क्यों बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, और आपका दिल्ली में स्वागत है, और रामकथा आप बहुत अच्छी सुना रहे हैं, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। लोग का सवाल एक बार हाथ उठाओ, आपका प्रश्न है। हमारा और आपका नाम है जन्मा, भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान सबको बनाते हैं, भगवान को कोई नहीं बनाता क्योंकि वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्य था कर तुम सर्वसामर्थ। भगवान सबको बनाते हैं, भगवान स्वयंभू उन्हें कोई नहीं बनाता। भगवान सबके माता पिता हैं, भगवान के कोई माता। भगवान का नाम है अजन्मा, जब जन्म होगा तो कोई मरेगा, पर जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। दोस्तों हमने गुरु जी के दर्शन भी कर लिए हैं, इनके प्रश्न उत्तर के जो सेशन होते हैं वो भी देख लिए हैं, और साथ ही रामकथा भी सुन ली। तो अब आगे हम लोग मेला देखने चलते हैं, यहाँ तो अभी चलेगा बहुत देर तक। तो मैं पहली बार अनिरुद्धाचार्य जी से मिली हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मिलके उनको देख के सामने से। वैसे तो हम सोशल साइट पे तो देखते ही हैं कि इनके कितने सारे फॉलोअर्स हैं, कितने सारे भक्त हैं, लेकिन अभी मैंने सामने से देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। ये अनिरुद्धाचार्य बाबा वही हैं जिनको इंटरनेट पे लोग कुकी बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट हैं और रिप्लाई भी बहुत ही क्यूट क्यूट सा देते हैं। गाइस अब हम लोग चल रहे हैं मेले की तरफ। दोस्तों अभी हम लोग मेले में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे फूड वगैरह की स्टॉल लगी हुई है, और चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। पनीर दे कुछ खिला दो ना, भूख लगी हुई है। इसको तुरंत भूख लग जाती है, देख रहे हो ना आप। अभी मेला आए और कुछ खाए नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? आप ही लोग बताओ। बात तो सही है। तो मैं अब आपको तरह तरह के झूले दिखाती हूँ। बचपन में ये गोल वाला मैं बैठती थी, इसमें मेरे को बहुत चक्कर आते हैं गोल वाले झूले। और यहाँ तरह तरह के तो झूले हैं ही, एक ये हो गया, फिर ये दो ये टोटल तीन है, एक दो तीन, और ये हो गया चार, वहाँ है नाव वाले झूले 5 उधर, और वो एक पीछे है वो ये चमकता हुआ पता नहीं कौन सा झूला है 6, ये हो गया 7, वो हो गया 8, उधर भी है ये 9, और ये एक पीछे 10। 10 से भी ज्यादा झूले हैं दोस्तों, काउंट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। उधर भी है ढेर सारे झूले जो कि अंधेरे में दिख नहीं रहे, हमें नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ ना पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मौसम बहुत खराब कर रखा है, फिर भी झूले वालों ने ना झूला लगा ही रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे घोड़ा हाथी जो बचपन में झूला करते थे अब बड़े लोगों के लिए भी आ गया है मेले में। इस पे चले झूलने, देखो मैं झूला हूँ एक बार कोटा में, बहुत मजा आता है, मतलब एक अलग ही वाइब आती है। पूरा जब उल्टा हो जाता है ना तो लगता है हाँ क्या झूला है, मस्त है। लेकिन दोस्तों देखिए कितने खतरनाक झूले पे झूले की बात कर रहा है, इस पे सबसे ज्यादा डर लगता हो क्योंकि ये पूरा अपोजिट उल्टा हो जाता है ऐसे। जब ऊपर में कुछ सेकंड के लिए रोक दिया जाता है ना तो पूरी लगता है कि पूरा बॉडी हमारा उल्टा होगा, तो मस्त हाथ लगता है। दोस्तों यहाँ पे आप रुद्राक्ष, कंठी माला, जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये शॉप, और यहाँ शिवलिंग भी मिल रही है, फिर त्रिशूल भी मिल रहा है, और कुछ भगवान की प्यारी प्यारी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी मिल रही हैं। दोस्तों अब मोनू खाने रुक ही गया है, उसे भूख इतनी तेज लगती है कि बर्दाश्त ही नहीं होता, और उसमें भी ना पाव भाजी खाने के लिए रुक गया है। छोटी बोलते रह गई कि पाव भाजी मत खाओ, कुछ और खा लो, मैं घर पे बना दूंगी, क्योंकि छोटी ना बहुत ही टेस्टी बनाती है पाव भाजी। तो लेकिन फिर भी नहीं माना, बोला मैं खाऊंगा। ले आया है गाइस पाव भाजी। कैसा है मोनू भैया, खाने लायक टेस्ट है, सही है।
चीज़ यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ 20 रुपए में मिल रही है। यहाँ 20 रुपए की सेल लगी है, जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आई लेसेस भी आपको 20 रुपए में मिल जाएंगे, और ये जो है टेप भी आपको 20 रुपए में, और ये इतना बड़ा सा क्लचर भी 20 रुपए में। सोनी को लग रहा है कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। क्यों सोनी दी, कुछ पसंद आ रहा है या नहीं? नहीं दोस्तों, हमने इस ब्लॉग में आपको अनिरुद्धाचार्य जी का कथा भी सुना दिया, क्वेश्चन आंसर सेशन भी दिखा दिया, और साथ ही ये पूरा मेला भी घुमा दिया। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।